मारूफ इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज और कम्युनिस्ट पार्टी की बरतानवी कारकुन एलिस जॉर्ज की निकाह खानी की तकरीब 28 अक्टूबर 1941 को वादी जम्मू और कश्मीर में मुनाकिद हुई थी। एलिस जॉर्ज का पाकिस्तानी नाम कलसूम रखा गया, लेकिन वो ज़बान ज़द आम ना हो पाया और मिसिस फैज़ को एलिस फैज़ के नाम से ही शनाख्त मिली। बहुत कम लोग जानते हैं कि फैज़ और एलिस का निकाह डोगरा राज के खिलाफ तहरीक आज़ादी के रूह रवां और कदावर सियासी रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पढ़ाया था। निकाह नामे पर दस्तखत करने वालों में गुलाम मोहम्मद सादिक और बख्शी गुलाम मोहम्मद भी थे। ये दोनों सादिक और बख्शी बाद अज़ां जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए और फैज़ अहमद फैज़ के गहरे दोस्त भी थे। निकाह खानी की तकरीब में डॉक्टर नूर हुसैन, खुर्शीद हसन खुर्शीद और एलिस जॉर्ज के बहनोई डॉक्टर एमडी तासीर भी शरीक थे। फैज़ अहमद फैज़ के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा और किसने पढ़वाया, इस बारे में मुअर्रिखीन में इख्तलाफ राय है। तहम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी साथी और मुअर्रिख मोहम्मद यूसुफ टैंक का मानना है कि फैज़ का निकाह शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के उस वक्त के बुलंद पाया आलिम दीन मौलाना सैयद अहमदुल्ला हमदानी से पढ़वाया था। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फैज़ अहमद फैज़ का एलिस से निकाह का खुतबा खुद नहीं पढ़ा था, बल्कि मौलाना सैयद अहमदुल्ला हमदानी से पढ़वाया था। याद रहे कि एलिस जॉर्ज बरतानिया के एक कुतब फरोश जॉर्ज समांड की चौथी औलाद थीं। उन्होंने 9 उम्री में ही कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। नौजवान कश्मीरी स्कॉलर डॉक्टर अशरफ लोन ने बताया कि एलिस के भाई के मुताबिक वो बाग़ियाना तबीयत की मालिक थीं और कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार डेली वर्कर छाप कर अवाम में तकसीम करती थीं। अशरफ लोन कहते हैं कि साबिक गवर्नर पंजाब सलमान ताशीर के वालिद एमडी तासीर 1936 में कैम्ब्रिज से पीएचडी करके हिंदुस्तान वापस लौट आए। 1938 में वो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में प्रिंसिपल मुकर्रर हुए, जहाँ फैज़ अहमद फैज़ भी बहैसियत लेक्चरर काम कर रहे थे। बरतानिया की कम्युनिस्ट पार्टी की एक तवील मुद्दती हमायती होने के नाते एलिस की हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। फैज़ अहमद फैज़ के मुताबिक मसला कश्मीर का पायदार और मौसर तरीन हाल ये था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर को अलग छोड़ दें और कश्मीर दोनों ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार रखते हुए एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर सामने आ जाए। उन्होंने कश्मीर के लोगों को यही मुतालबा करने का मशवरा दिया था और उनको यकीन था कि बिलाखिर यही होगा, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ममालिक ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और नतीजा ये है कि बातचीत के ज़रिए इस मसले को सुलझाने के इम्कानात कम हो गए हैं। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।